नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आज स्टडी ऑफिशियल पर। आज हम दोस्तों चर्चा करेंगे हाल ही में लोकसभा में राहुल गांधी के दिए गए भाषण और उससे जुड़ी विवादित घटनाओं के बारे में। इसे समझने से हमें भारतीय राजनीति के मौजूदा परिदृश्य और उसके पीछे की रणनीतियों को जानने का मौका मिलेगा। दोस्तों, राहुल गांधी जो कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और लोकसभा में विपक्ष के नेता भी हैं, उन्होंने हाल ही में लोकसभा में अपना पहला भाषण दिया। ये भाषण राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान दिया गया था। उनके भाषण में कई विवादास्पद टिप्पणियां शामिल थी जिन्हें बाद में लोकसभा के रिकॉर्ड से हटा दिया गया। दोस्तों, राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत संविधान की एक कॉपी और भगवान शिव की तस्वीर लहराते हुए की। यह एक प्रतीकात्मक शुरुआत थी जो उनके भाषण के प्रमुख विषयों को दर्शाती थी। उन्होंने संविधान का हवाला देते हुए भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस पर निशाना साधा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में क्या क्या विवादित मुद्दों पर चर्चा किया। सबसे पहले हिंदू धर्म पर टिप्पणी। दोस्तों, राहुल गांधी ने हिंदू धर्म और हिंदुओं पर टिप्पणी की जो भाजपा सांसदों को नाराज कर गई। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी के लोग खुद को हिंदू कहते हैं लेकिन उनके कार्यों में हिंसा और नफरत भरी है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी हस्तक्षेप किया और कहा पूरे हिंदू समुदाय को हिंसक कहना बहुत गंभीर मामला है। इसके बाद दोस्तों, राहुल गांधी ने अल्पसंख्यक समुदाय पर भी टिप्पणी की। राहुल गांधी ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वे अल्पसंख्यक समुदायों के साथ गलत व्यवहार करते हैं और समाज में हिंसा और नफरत फैलाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, उन्होंने अग्निवीर योजना की भी आलोचना की। राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अग्निवीर सैनिकों को यूज एंड थ्रो मजदूर बना दिया गया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इस योजना के तहत शहीद हुए सैनिकों को शहीद का दर्जा नहीं मिलता और उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिलता। इसके बाद दोस्तों, उन्होंने उद्योगपतियों पर भी आरोप लगाए। राहुल गांधी ने उद्योगपतियों जैसे कि अडानी और अंबानी पर भी टिप्पणी की और उन्हें केंद्र सरकार के करीबी बताया। ये तो रही दोस्तों राहुल गांधी की बात, अब भाजपा की भी इस पर प्रतिक्रिया आई। भाजपा ने राहुल गांधी की टिप्पणियों का कड़ा विरोध किया। गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी से माफी की मांग की और कहा कि उन्होंने भाजपा को हिंसा से जोड़कर पूरे हिंदू समुदाय का अपमान किया है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य भाजपा नेताओं ने भी राहुल गांधी के बयानों को खंडन किया। इसके बाद दोस्तों, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने राहुल गांधी के भाषण के कई अंशों को संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया। इनमें हिंदुओं और अन्य धर्मों पर उनकी टिप्पणियां शामिल थी। स्पीकर के इस फैसले के बाद कांग्रेस और भाजपा दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी। दोस्तों, राहुल गांधी के भाषण के बाद विपक्ष के अन्य नेताओं ने भी प्रतिक्रिया दी। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया और कहा कि उन्होंने भाजपा को सही आईना दिखाया है। आरजेडी के नेताओं ने भाजपा पर समाज में डर और भय का माहौल बनाने का आरोप लगाया। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं भाषण के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर। तो सबसे पहला पॉइंट, नीट और पेपर लीक। राहुल गांधी ने नीट परीक्षा और उसके पेपर लीक के मामलों को उठाया। उन्होंने कहा कि ये परीक्षा अमीरों के लिए है और गरीब विद्यार्थियों के लिए कठिनाई बढ़ा रही है। इसके अलावा दोस्तों, राहुल गांधी ने किसान आंदोलन का मुद्दा भी उठाया और कहा कि सरकार ने किसानों को आतंकवादी कहकर उनका अपमान किया है। इसके बाद राहुल गांधी ने मणिपुर में हो रही हिंसा का मुद्दा उठाया और कहा कि सरकार इस राज्य को भारत का हिस्सा नहीं मानती। इसके बाद दोस्तों, राहुल गांधी के आरोपों के बाद भाजपा नेताओं ने जवाब दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी सदन में झूठ बोल रहे हैं और उन्हें अपना बयान का सत्यापन करना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निवीर योजना की वास्तविकता को स्पष्ट किया और कहा कि अग्निवीरों को मुआवजा दिया जाता है। दोस्तों, राहुल गांधी के भाषण और उससे जुड़े विवाद ने भारतीय राजनीति में एक नई बहस को जन्म दिया है। ये घटना दोस्तों सिविल सर्विस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे हमें भारतीय राजनीति और उसके कार्य प्रणाली को समझने का मौका मिलता है। इस तरह के घटनाक्रम दोस्तों हमें ये सीखने में मदद करते हैं कि संसद में किस प्रकार की बहस होती है और विभिन्न मुद्दों पर नेताओं के क्या विचार होते हैं। इस पूरे घटनाक्रम से हमें ये भी समझ में आता है कि भाषणों के माध्यम से नेता किस प्रकार अपने विचार व्यक्त करते हैं और उनके बयानों का क्या प्रभाव होता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको जानकारी पूर्ण लगा होगा। अगर आपके पास कोई सवाल है या किसी विशेष मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं तो कृपया कमेंट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।